यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को रायबरेली पहुंची। यहां पहुंचने पर सोनिया का भव्य स्वागत किया गया। सोनिया सबसे पहले 10:30 बजे अपने बेटे राहुल के संसदीय क्षेत्र में स्थित FDDI आए गई, जहां निरीक्षण करने के बाद वे सीधे केंद्र के कम लागत के सुविधाजनक आवासीय भवनों की योजना का शिलान्यास करने बरवारीपुर पहुंची। इस दौरान वो लोगों से मुलाकात करना भी नहीं भूली। उन्होंने एक एक कर सभी जिला पंचायत सदस्यों से मुलाकात की। ऐसा पहली बार हुआ जब ये सदस्य अपनी सांसद से सीधे रूबरू हुए। कि जब इस फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ था तो कुछ लोगों ने इसके बारे में तमाम अफवाहें फैलाई थी, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं और देख रहे हैं कि इसे बहुत ही कम समय में पूरा किया गया और इस फैक्ट्री से बने कोचेस जनता को समर्पित किए। यहाँ सोनिया ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा के ऊपर लगी छतरी का अनावरण करने के बाद रेल फैक्ट्री उद्घाटन किया। अभिनंदन करें और अब भारतीय रेल के इतिहास में साथ हैं और अन्य रेलवे बोर्ड के अधिकारी अय्यर गांव से हैं। सोनिया के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। सोनिया के रायबरेली पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ता काफी गदगद नजर आए। रायबरेली से रोहित के साथ रोजी लोहानी, न्यूज पॉइंट।